अगर आप मेंढक को दूध में डाल दे तो क्या वो उसमें बच पाएगा? और अगर आप बस एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको $1,000,000 मिल सकते हैं, पर कैसे? और आखिर पेट्रोल कैसे बनता है और ये इतना महंगा क्यों होता है? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 21, जैसे कि आपको पता ही होगा कि संडे को मोस्ट ऑफ द कंट्री में हॉलीडे होता है, पर अब ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और सारे कंट्री के अपने इतने सारे हॉलीडेज और फेस्टिवल्स होते हैं कि अगर हम एस्टिमेटली देखें तो पूरी दुनिया में रोज एक ना एक जगह पे हॉलीडे होता है। मतलब अभी आज जो भी डेट है, भले ही वो वर्किंग डे हो, पर आज भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड में हॉलीडे होगा, और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब वर्ल्ड में कहीं हॉलीडे ना हो। नंबर 20, डिज्नीलैंड में एक बहुत अच्छा रूल है कि आप किसी भी डिज्नी कैरेक्टर से एक वेकअप कॉल मांग सकते हो। मतलब अगर आपको लाइफ का वेकअप कॉल चाहिए या अगर आपको कुछ चीज के बारे में अलार्म सेट करना है तो कोई भी डिज्नी कैरेक्टर जो वहाँ खड़ा होगा उससे आप सेट करवा सकते हो। दरअसल ये हमेशा अपने साथ एक फोन लेके घूमते हैं जो कि उनके ऑफिस तक जाता है, और जिस भी कैरेक्टर से आप फोन मांगते हो आपको जवाब उसी कैरेक्टर की आवाज में मिलता है। नंबर 19, इस फैक्ट से आप भी रिलेट कर पाओगे। तो एक सर्वे में ये पता चला कि 75% से भी ज्यादा लोग उठने के बाद अगर टाइम हो तो फिर से सोने जाते हैं, और इसका रीजन है अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए। यानी अगर वो कोई अच्छा सपना देख रहे हो और उनकी बीच में ही नींद खुल जाती है तो वो फिर से सोने की कोशिश करते हैं वही सपना पूरा करने के लिए। क्या आप भी ऐसा करते हो? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 18, क्या आपको पता है कि डायमंड और पेंसिल एक ही मटेरियल से बने हैं? जी हाँ, आप ये बात सुन के चौंक जाओगे। दोनों चीजें कार्बन से बनती हैं। कार्बन जब गर्म हो जाता है तो उसे डायमंड बनता है, और पेंसिल बनाने के लिए रॉ कार्बन यूज किया जाता है। दोनों सेम चीजों से बनी है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 17, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, ये दिखने में बहुत छोटा होता है और इसी वजह से अगर आप ध्यान से ना देखो तो ये आपके हाथ में होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका जहर दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है, और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये जहर का कोई एंटीडोट भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपको ये ऑक्टोपस काट लेता है और अगर आपको 15 मिनट के अंदर वेंटिलेटर नहीं मिलता है तो आप सांस ना लेने की वजह से मर जाओगे, क्योंकि इसका जहर लंग्स पर असर करता है, और वेंटिलेटर मिलने के बाद भी आपको 2 से 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रहना पड़ेगा, वरना आपकी हालत खराब हो जाएगी। नंबर 16, नेगेटिव चीजें हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और अगर आपको नेगेटिव चीजों को खत्म करना है तो आपको पॉजिटिव चीजें करनी होगी, पर एक नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको 5 पॉजिटिव चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके आपकी एक नेगेटिव चीज खत्म होगी। नंबर 15, ये वाला फैक्ट लड़कियों को काफी पसंद आएगा, क्योंकि अगर इनके पास फोन हो और इनको कहीं मिरर दिख जाए तो समझो आज तो इनकी फोन स्टोरेज भरने वाली है। तो इसीलिए एप्पल ने हाल ही में लॉन्च किया है स्मार्ट मिरर, और ये किसी साइंटिफिक मूवीज में दिखाने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। आप इसमें 1000 से भी ज्यादा सेल्फी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे कैमरे से, और इसके अंदर आप रेडी होते होते नेटफ्लिक्स भी देख सकते हो, यूट्यूब ब्राउज कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो अगर आप चाहो तो, चैटिंग करते करते वीडियो कॉल भी कर सकते हो, और म्यूजिक लवर्स के लिए इस मिरर में आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, और भी कई सारी चीजें आप मेकअप करते करते यूज कर सकते हो। हमारे व्यूअर्स में से बहुत ही कम ही लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हम 1,000,000 के भी बहुत करीब हैं। नंबर 14, पावर अक्सर लोगों को लेस सेंसिटिव बना देता है। मतलब अगर किसी आदमी को सक्सेस मिल जाती है या अगर वो पैसे और नाम के मामले में पावरफुल हो जाता है तो वो बाकी लोगों के बारे में कम सोचेगा और वो उन लोगों को यूजलेस या कम मेहनती समझता है, भले ही वो आदमी अमीर आदमी से ज्यादा मेहनत क्यों ना करता हो। ये है साइड इफेक्ट पावर का। नंबर 13, एक 5 साल का इंडियन बच्चा ट्रेन में सफर करते समय अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया और वो बच्चा कोलकाता में ही रह गया, लेकिन 25 साल बाद उसने अपने मम्मी पापा को ढूंढ लिया, और वो भी गूगल मैप्स की मदद से।
नंबर 12, क्या आपको दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बर्ड की प्रजाति के बारे में पता है? वो है किया पैरोट, जो कि न्यूजीलैंड में रहता है और ये इतने ऊपर मिलता है जहां ईगल भी नहीं उड़ सकते, यानी ये ईगल से भी ज्यादा अच्छे उड़ने वाले हैं। और इस बर्ड की इंटेलिजेंस की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अगर इसे अच्छे से ट्रेन करें तो ये थोड़ा बहुत ह्यूमन स्पीच भी बोल सकता है। और इस बर्ड को तबाही मचा देने वाला बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आवाज वाली चीजें करना और बाकी जानवरों को और इंसानों को परेशान करना बहुत पसंद है। नंबर 10, अभी आपको जो वायर दिख रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ ये आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो क्या आप यकीन करोगे? दरअसल ये एक फाइबर ऑप्टिक वायर केबल है और ये वही वायर है जो आपको हाई इंटरनेट स्पीड देता है। और बाहर की कंट्री में इतना छोटा सा वायर अपने साथ 100 से 200 Mbps का नेट रखता है। मतलब अगर आपको फ्री फायर या पबजी जैसा कोई गेम डाउनलोड करना है तो वो बस 10 से 20 सेकंड में हो जाएगा। नंबर 9, यूसेन बोल्ट को फास्टेस्ट ह्यूमन अलाइव कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 साल ओलंपिक रेस की है और इसमें से इन्होंने 9 मेडल्स जीते हैं। और ओलंपिक में इन्होंने 2 मिनट से भी कम टाइम ट्रैक पे बिताया है और इन्हें बस 115 सेकंड्स के लिए $119 मिलियन दिए गए हैं, यानी इन्हें हर एक सेकंड का 1 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स मिले थे। भले ही ये बस 2 मिनट से भी कम भागे होंगे, पर इन्होंने बस 115 सेकंड्स के लिए 20 साल से भी ज्यादा की ट्रेनिंग की है और तब जाके इनका इतना नाम हुआ है। नंबर 8, अगर आप बस एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको $1 मिलियन मिल सकते हैं। पर कैसे? द क्ले मैथमेटिक्स करके एक USA का इंस्टीट्यूट है और इन्होंने अपने वेबसाइट पर 7 क्वेश्चंस डाले हैं, और अगर आप इनमें से कोई एक भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको $1 मिलियन दिया जाएगा, और अगर आप 7 सवाल सॉल्व कर लेते हो तो आपको $10 मिलियन दिया जाएगा। पर आज तक बहुत ही कम लोग ये सॉल्व करने में कामयाब रहे हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो आप theclaymathematics.com पे जा सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आंसर्स आपको इंटरनेट पे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो आपको अपने से ही ट्राई करना होगा। नंबर 7, क्या आपको दुनिया के सबसे बड़े पियानो के बारे में पता है? अगर नहीं तो उस पियानो का नाम है द अलेक्जेंडर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पियानो है। और इस पियानो को न्यूजीलैंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले बस 15 साल के बच्चे ने बनाया है, और उस बच्चे का नाम है द एड्रियन मैन। नंबर 6, अगर आप कैट पालते हो तो आपको पता ही होगा कि कैट्स कई बार आपके पास डेड एनिमल लेके आती हैं, जैसे कि मरे हुए चूहे या मुर्गी के बच्चे। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कैट्स को ऐसा लगता है जैसे आप एक बुरे हंटर हो और आप हंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको हेल्प करने के लिए ऐसा करते हैं। और अगर आप कैट को रोज नॉन वेजिटेरियन खिलाओ तो कैट ऐसा करना बंद कर देगी। नंबर 5, कई लोगों को बहुत बार रात को ठीक से नींद नहीं आती या वो मिडनाइट तक सो नहीं पाते, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो करने से आपको अगर नींद नहीं आ रही होगी तो आ जाएगी। सबसे पहले आपको एक बहुत लंबी सांस लेनी है और आपके दिमाग को एकदम शांत कर देना है, और उसके बाद आपको अपनी आंखों को 1 मिनट तक कंटिन्यूसली ब्लिंक करना चाहिए, और उसके बाद आपकी आंख बहुत थक जाएगी और थकी हुई आंखें हमेशा सोने में हेल्प करती है। नंबर 4, स्कूल बच्चों पर प्रेशर डालता है। इस चीज का पता लगाने के लिए एक ग्रोथ सर्वे रखा गया था, जिसमें ये पता चला कि बच्चे स्कूल के दिनों से ज्यादा हॉलीडे में ग्रो होते हैं, यानी उनकी हाइट और इनके मेंटल ग्रोथ हॉलीडेज में काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है, वो भी बस 10-20% से नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से। और ये तो USA की बात है, सोचिए इंडिया में क्या होता होगा, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम USA से कई ज्यादा गुना खराब है। नंबर 3, मोदी जी के बारे में कई फैक्ट्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे कि वो हमेशा अपनी वॉच उल्टी पहनते हैं। पर क्यों? तो दरअसल बात यह है कि मोदी जी एक बहुत महंगी कंपनी की कस्टम वॉच पहनते हैं, और इस वॉच का प्राइस 60K से 2 लाख जितना है। पर ये उल्टी क्यों पहनते हैं? तो दरअसल मोदी जी को टाइम देखने की बहुत बुरी आदत है, वो हमेशा अपनी वॉच को देखते रहते हैं। पर जब भी वो मीटिंग में होते हैं तो सामने वाले को बुरा ना लगे या वो बार बार वॉच देखने से डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसी वजह से वो वॉच उल्टी पहनते हैं, ताकि इन्हें अपनी कलाई बार बार घुमाना ना पड़े और सामने वाले को पता ना चले कि वो वॉच देख रहे हैं, और बस ये रीजन है कि वो वॉच उल्टा पहनते हैं। नंबर 2, अभी कोविड के साथ जो चीज फुल स्पीड में बढ़ रही है वो है पेट्रोल का दाम। पर आखिर पेट्रोल कैसे बनता है, ये आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो पेट्रोल बनता है पेट्रोलियम नाम के एक जेट ब्लैक सब्सटेंस से, और पेट्रोलियम जमीन के अंदर
अंदर मिलता है। बेसिकली पेट्रोलियम और कुछ नहीं है बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स हैं, जो बहुत ज्यादा गर्मी मिलने की वजह से पेट्रोलियम में तब्दील हो जाते हैं। ये पेट्रोलियम पूरे अर्थ में मिलता है, खासकर ड्राई और गर्म जगह पे, और पेट्रोलियम को फिर से प्यूरिफाई और क्लीन करके एक केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है, और इतने लॉन्ग प्रोसेस के बाद पेट्रोलियम बनता है। और पेट्रोलियम अनलिमिटेड नहीं है, डेड रिमेन्स लिमिटेड है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम भी लिमिटेड है, और यही रीजन है कि पेट्रोल इतना महंगा है। नंबर वन, क्या होगा अगर आप मेंढक को दूध में डाल दे तो क्या वो बच पाएगा? तो पहला आंसर है कि मेंढक को सूटेबल ऑक्सीजन मिले तो वो मिल्क में भी आराम से बच पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंढक एम्फीबियन है, तो उसके लिए जमीन पे रहना और पानी में रहना आसान है, और इसीलिए वो दूध में बच पाएगा। और सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या हम वो दूध को पी पाएंगे? तो आंसर है यस ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले के जमाने में फ्रिज नहीं होता था, तो सारी दुनिया में दूध को स्टोर करने के लिए कई सारे तरीके आजमाते थे, और दुनिया में कुछ ऐसे भी नेबरिंग कंट्री थी जो दूध को स्टोर करने के लिए मेंढक का यूज करते थे। दरअसल मेंढक के बॉडी से एक थिक पिगमेंट निकलता है जो दूध का टेस्ट नहीं बिगाड़ता है, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो दूध का कलर भी नहीं बिगाड़ता है, और वो पिगमेंट दूध को खराब होने से बचाता है और दूध को 3 से 4 दिनों तक स्टोर करने में मदद करता है। हमारे व्यूअर्स में से बहुत ही कम ही लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है